कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े और जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग के अधीक्षक यंत्री और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। आगरमालवा बिजली विभाग के द्वारा क्षेत्र की जनता को परेशान करने और डी भवरलाल गुजराती के द्वारा आगर के कुशल व्यक्तियों की उपेक्षा कर अपने रिश्तेदार व्यक्तियों को ऑपरेटर और आउटसोर्स नौकरी पर लगाने और क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, चोरी की घटनाओं में अत्यधिक बढ़ोतरी, असामाजिक तत्वों के द्वारा संचालित जुआ, सट्टेबाजी अनेक कार्यों पर नियंत्रण करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े, जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक और अधीक्षक केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया। अपराधों पर नियंत्रण न किए जाने और विद्युत विभाग के डी भवरलाल गुजराती के द्वारा अपने कार्य में सुधार नहीं किए जाने पर विधायक विपिन वानखेड़े और जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगर आने पर काले झंडे दिखाने की प्रशासन को चेतावनी दी। अगर कोई एक घटना ऐसी हो या कोई एक काम ऐसा हो जो गलत हो और चल रहा हो, तो हम ये मान सकते हैं कि ये पुलिस की जानकारी में नहीं होगा या इसमें पुलिस का संरक्षण नहीं होगा। लेकिन अगर 10 गलत काम हो सकते हैं और अगर 10 के 10 ही गलत काम हमारे जिले में धड़ल्ले से हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण है। तो मैं यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक होने के नाते आपको ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड इस बात को संज्ञान में डालने के लिए आया हूँ। बिजली विभाग में लगातार जनता को ठगा जा रहा है। आगर जिले के युवा पहले ही रोजगार के लिए त्रस्त हैं और ऐसे में बिजली विभाग में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से जो नियुक्तियाँ होनी थी, उन नियुक्तियों में भी बिजली विभाग के अधिकारी खुद अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदार के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो कि अन्य जिलों के, अन्य प्रदेशों के रहने वाले लोग हैं। हमारी मांग है कि आगर जिले में, आगर जिले के युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। आज हमने एसपी कार्यालय पर ज्ञापन दिया है। एसपी कार्यालय पर ज्ञापन में हमने हमारी तमाम मांगें रखी है। आगर जिले में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती आ रही है, लगातार जुए सट्टे में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार चौराहे चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर खड़े होकर पुलिस अवैध वसूली कर रही है। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर आज हमने एसपी कार्यालय पर ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि जिले में इन सभी अनैतिक घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए।